हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है गर्मी का सीज़न चालू हो गया है। गर्मी के सीज़न के साथ ब्रीडिंग सीज़न भी सभी का चालू हो गया, चाहे फैंसी हो या गिरीबाज हो, दोनों में ब्रीडिंग सीज़न चालू हो गया। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ फुंसी होने की। फुंसी बच्चों की होती है क्योंकि गर्मी में मच्छर हैं, अभी मच्छर काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने लॉफ्ट को, एक तो तरीका ये है कि ग्रीन नेट से इनको ढक दें रात में, शाम को मगरिब के बाद, मगरिब तक इनको ढक दें, ताकि क्या है कि मच्छर अंदर ना जा सकें। अगर मच्छर अंदर, जितने कम अंदर जाएंगे उतने कम बच्चों को काटेंगे, उतना कम नुकसान होगा। साथ में आपके लॉफ्ट के पास एक ये होना चाहिए लाइट का बोर्ड। लाइट के बोर्ड में ऐसे एक ऑल आउट लगा लो। ऑल आउट तो क्या, 7 दिन में 8 दिन में ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या कर रखा है मैंने, नीम का तेल भर रखा है और नीम के तेल के साथ इसमें कपूर मिला के लगा रखिए। शाम को ये जला दो, ताकि इससे भी जहाँ तक वो मच्छर की बहुत बचाव हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये मेरे लॉफ बच्चे हैं, ऐसे ऐसी पुड़िया बनानी पोटली, जिसमें 4 वो फिनाइल की गोली और 1 टुकड़ा कपूर का इसमें डाल दें। एक तो ये हो गया, ऐसे ही लॉफ्ट के अंदर ये, इससे मच्छर नहीं आते। एक डिब्बे के अंदर जाओ तो आप ऐसे कपूर का टुकड़ा, ये कपूर के टुकड़े इसमें डाल रखें, कपूर के टुकड़े की खुशबू से मच्छर नहीं आते। और ये एक फिर भी मच्छर आते हैं, एक ही मेरा बच्चा है, ये सिराजी का बच्चा है, इसको मिट्टी से पलवा रहा हूँ अब। इसके ये एक है, इसका भी इलाज अपना भी करेंगे, बस इसके एक ही चूहे में ऐसे लापरवाही होगी तो एक जगह इसके ऐसे काट लिया। बाकी ब्रीडिंग है, एक बच्चा ये है, ये सेफ है अभी, इसके नहीं काटा अभी। इधर अंडे है, ये ब्रीडिंग पे है बेटा, इसमें अंडे है, ये बच्चा नहीं निकला। कपूर और फिनाइल की खुशबू से मच्छर नहीं आते। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के फुंसियाँ मच्छरों के काटने से होती हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए एक तो फिनाइल की गोली और कपूर की पोटली बना के वो रखनी है, सफाई का ध्यान रखना है। और दूसरा वो बताया था मैंने, ये नीम का ऑल आउट में ऐसे नीम का तेल भर लें, नीम का तेल भर के और उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा कपूर का डाल दें, तो ये 7 दिन 8 दिन आराम से चल जाता है। फिर 7 से 8 दिन बाद फिर इसमें एक कपूर का टुकड़ा डाल लें। अब फुंसी हो गई है, फुंसी होने के बाद आपको ट्रीटमेंट में क्या करना है कि ट्रीटमेंट में आपको 4 चीज़ें चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। ये 4 चीज़ें में सबसे पहले चाहिए नींबू, और इसमें चूना है, और इसमें सर्फ है, सर्फ एक्सल, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, पिंकी जिसे बोलते हैं, ज़्यादातर सब जानते हैं। अब इसको बनाते हैं और उस बच्चे के जिसके फुंसी है उसके लगाते हैं। उसमें सबसे पहले दवाई बनाने के लिए अपन को सबसे पहले लेना है चूना। मुझे एक ही बच्चे के लगाना है थोड़ा सा चूना, इसमें थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा इसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और ये 1 या 2 बूंद नींबू की, डाली, इसका पेस्ट बनाना है। इसमें 1-2 बूंद पानी की भी डाल दें, बस
ये पेस्ट बन गया। अब हम बच्चे को लेके आते हैं। ये बच्चा है इसके यहाँ। अब इसको थोड़ा सा खुरच के इसके ऊपर लगा देंगे। देखो फ्रेंड, मैंने इसकी ये पकी पीली पीली चमड़ी हटा दी। अब इसके ऊपर दवा लगाएंगे। ये मैंने इसके दवा लगा दी है, एक ही बार काफ़ी है। अब इसको मैं 7 दिन बाद आपको बताऊंगा, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें ये चाहिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट, केमेनोफोर पिंकी, ये सर्फ, थोड़ा सा चूना और एक दो बूंद नींबू की, यही काफ़ी है।